ये 3 तारीख को हमारे पास एक मौके पर मुलाकात हुआ और उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर प्लेट लगाते हुए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के उसके अनुसार प्लेट लगाए हुए हैं, डगराउंड में कार लेकर खड़े हुए हैं और लोगों को ठगी का शिकार बना के फिराक में है। अगर रेड हो जाए तो फौरी तौर से उनको जो काबू किया जाए। उस समय में हमारे है तो सिविल लाइन ने अपनी एक टीम तैयार की और उन पर मुकबर खास को साथ लेकर वहां चले गए और मुकबर खास ने इशारा कर दिया कि ये आदमी है। एहतो साहब ने तत्परता से उन्हें कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ काफी धाराओं के तहत पर्चा दर्ज कर लिया है। सर कब से करे थे कि ऐसे? 3/3/2023 को गिरफ्तार करे हुए और पर्चा दर्ज 3/3 को ही किया है। इनकी बैकग्राउंड क्या है सर? इनकी बैकग्राउंड तो इनकी क्या है, लोगों को लूटना है और कुछ नहीं। और इनमें बेचंग है जो मैन है पानीपत से, वो यूट्यूब पर भी काम करता है और पत्रकार का भी काम करता है। अच्छा सर, ये आई कार्ड है, बहुत सारे आई कार्ड भी मिले, कितने लोग और शामिल है सर, किन किन को इन्होंने लूटा अभी तक? इनके पास काफी है, काफी लोगों ने लूटा है और इनके पास दरखास्तें भी काफी आई है, जैसे को पैसे लेन देन की है 2 से 4 के करीब दरखास्तें मिली है, कुछ फार्म भी मिले हैं। काफी दिनों से इनका गिरोह था ये। और जो है SP श्री नरेंद्र बजाने के अनुसार हमारी जींद पुलिस ने इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया। सर जो आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने दिखाया, किस चीज का कार्ड था? इंस्पेक्टर का था या किसी? ये था डायरेक्टर का, उमर राइट डायरेक्टर। अब तक कितने लोग मान्यता प्राप्त दिखा रहे? अब तक कितने पकड़े जा चुके हैं सर? 5 थे, 5 लोगों को हमने पकड़ लिया है। तो सर इसमें और भी इसके अंदर होगा, आगे जो भी हमारी तफ्तीश चली हुई है, अगर इसके अंदर भी कोई आता उसको भी हम कार्रवाई करेंगे। तो सर अब तक की जांच में कुछ ऐसा भी निकल कर रहा है कि ये हरियाणा से बाहर का भी मामला, जैसे दिल्ली की बात करें वहां भी ये काम कर रहा होगी? हाँ, काफी जगह ये घूमते हैं, काफी जगह जाते हैं, खासकर तो हरियाणा में इन्होंने किया है और काफी लोगों को शिकार बनाया है। इनके पास काफी दरखास्तें मिली है, पैसे के लेन देन के बारे है और काम के लिए है और भी है, और जो बेचिंग दुआ है ये ही जो उनका मैन है, ये आई कार्ड बनवाता है, ये झंडे लगवाता है और ये काफी लोग इनके लिए शिकार बनाए हुए हैं। इन्होंने काफी दिनों से धंधा चलाया हुआ था।